तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू असाइन दी प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डिफाइंड अर्लियर, और उसके बाद हम लोग इसका डिजाइनिंग भी करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे देन डिजाइनिंग, और डिटेलिंग भी लगे आप देख ही लेंगे, ठीक है ना। इट्स काइंड ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट तो फटाफट हो जाएगा। एक बार अपन रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। डिफाइन में हम लोगों ने मटेरियल डिफाइन कर लिए थे, ठीक है ना, HYSD 450 और M30 कॉन्क्रीट कर लिया था हम लोगों ने। फिर डिफाइन में हम लोगों ने स्लैब प्रॉपर्टी में फुटिंग और स्टिफ इनको देख लेते हैं, इनकी थिकनेस वगैरह सही है, ठीक है। Then we have the soil subgrade properties, वो भी हमारे डिफाइन है, ठीक है। Then हमारा लोड कॉम्बिनेशन देख लेता हूँ, वो भी हमारा डिफाइन है, ठीक है। तो वी हैव डिफाइंड ऑल दिस थिंग्स, नाउ वी आर गोइंग टू असाइन इट, ठीक है ना। अब हमको असाइन करने का, तो एक बार एस्केप दबा देना, लेट अगर किसी कमांड में हो तुम बाई चांस तो एस्केप दबा देना, ठीक है। नाउ अब हमको क्या करना है, फुटिंग को फुटिंग की प्रॉपर्टी देनी है, कॉलम को स्टिफ की प्रॉपर्टी देनी, ठीक है। तो हमने पहले देखा था कि अगर हम लोग फुटिंग को प्रॉपर्टी देंगे तो कॉलम पे खुद ब खुद लग जाती है प्रॉपर्टी, क्योंकि हम वो टेम्पलेट लेके चल रहे होते हैं, तो सेफ खुद ब खुद बाय उसको डिफॉल्ट असाइन कर लेता। तो मेरे को अब स्लैब सेलेक्ट करनी है नीचे वाली फुटिंग मतलब, ठीक है। तो वो मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, फुटिंग एरिया के अंदर और कॉलम के एरिया के बाहर कहीं पे भी क्लिक करके, ठीक है। तो मैंने लेट से यहाँ क्लिक किया, नीचे लिखा हुआ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में 1 एरिया 4 एजेस सेलेक्टेड। तो आई विल गो टू असाइन, और मेरे को इस पर क्या असाइन करना है, स्लैब डाटा असाइन करना है। ध्यान रखना ये ऑप्शन एक्टिव तभी होगा जब आप स्लैब सेलेक्ट रखोगे। लेट्स से मैं एस्केप दबाता हूँ, और अभी स्लैब मेरी कुछ सेलेक्ट नहीं, और अगर मैं असाइन में जाऊंगा तो सब बंद है, ठीक है। अगर मैं स्लैब को सेलेक्ट करूंगा और मैं असाइन में जाऊंगा, देन आई गो टू स्लैब डाटा, देन आई गो टू प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास फुटिंग नन और स्टिफ आ रहा, तो हमको फुटिंग असाइन करना है। फुटिंग को क्लिक करके आई जस्ट प्रेस ओके, तो जैसे मैं फुटिंग को असाइन करूंगा स्टिफ खुद ब खुद असाइन हो जाए, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये इतना सिंपल था। अगर आप फिर भी देखना है तो कॉलम के अंदर जाके आप राइट क्लिक करो और देख लो कि इसको स्टिफ की प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, मिल गई। तो दैट इज गुड टू गो। अब एक अपन को क्या असाइन करना, अपन को सॉइल सब सपोर्ट भी असाइन करना, ठीक है ना। तो सॉइल किसको सपोर्ट करती है, हमारी फुटिंग को सपोर्ट करेगी। हमको फिर से एस्केप दबा के एक बार किसी कमांड से हो तो बाहर आ जाओ, सेलेक्ट बाय लेफ्ट क्लिकिंग द फुटिंग, फुटिंग को सेलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक करके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा वही 1 एरिया 4 एजेस सेलेक्टेड। गो टू असाइन, देन गो टू सपोर्ट डाटा दिस टाइम, ठीक है ना। सपोर्ट डाटा में जाएंगे और सॉइल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। सॉइल वन हमारी प्रॉपर्टी है, इस पर क्लिक करो, जस्ट प्रेस ओके, तो सॉइल वन भी लग गई, ठीक है। सेव करते रहना साथ साथ में, ठीक है। सो दोनों दो चीजें तो हमने कर दी। नाउ वी नीड द मेन थिंग दैट इज डिजाइन स्ट्रिप्स, ओके। तो अब हम लोग डिजाइन स्ट्रिप्स देखेंगे। तो डिजाइन स्ट्रिप्स में हमको क्या करना, पहले से इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट स्ट्रिप्स है उसको हमको पहले डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू नीड टू सेलेक्ट इट फर्स्ट, ठीक है ना। तो गो ऑन सेलेक्ट, देन सेलेक्ट एंड गो ऑन टू प्रॉपर्टीज, देन एट द बॉटम वी आर हैविंग डिजाइन स्ट्रिप लेयर, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट लेयर ए एंड प्रेस शिफ्ट एंड देन क्लिक द लास्ट वन। इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ द पैरामीटर्स इन वंस, ठीक है। शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लो लास्ट वाले को, तो हो जाएगा। ये कर दिया, इसको ओके कर दो, नीचे लिखा हुआ आएगा 4 डिजाइन स्ट्रिप्स सेलेक्टेड। इस 4 डिजाइन स्ट्रिप्स सेलेक्टेड के अलावा कुछ लिखा हुआ है ना, एजेस सेलेक्टेड है ऐसा कुछ, तो एस्केप करके फिर से जाना, वरना कुछ और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीजें सेलेक्ट है, मैं कीबोर्ड पे सिंपल डिलीट दबाऊंगा, इट विल बी डिलीट। नाउ अपन को स्ट्रिप बनानी, आई विल गो टू ड्रॉ, देन आई विल गो टू ड्रॉ डिजाइन स्ट्रिप्स, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉपअप आ गया पिछली बार जैसा, तो अभी हम एक्स डायरेक्शन में एक ए स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 स्ट्रिप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अभी अपन ए बनाएंगे। अब आपको ध्यान हो तो स्ट्रिप की विड्थ थी हमारे पास 0.5 थी शायद, तो एज यू कैन सी अपना कॉलम स्ट्रिप कितना था, स्ट्रिप विड्थ 0.5 था, ठीक है ना। तो आई विल मूव ऑन टू आवर सेफ अगेन, और मैं सब जगह पे 0.5 0.5 लिखता हूँ, 0.5 लेफ्ट में, 0.5 राइट में, 0.5 टॉप में, ठीक है। अब इसको बनाना भी पड़ेगा आपको, तो आप जैसे इधर आओगे तो यहाँ मिड पॉइंट, अभी आप ए डायरेक्शन में बना रहे हो मतलब एक्स डायरेक्शन में बना रहे हो, तो आप क्या करो इस मिड पॉइंट पे क्लिक करो और आपके पास एक लाइन आ जाएगी, उसको आप दूसरे वाले मिड पॉइंट पे ले जाओ, एकदम दूसरे कोने पे ले जाओ फुटिंग के, ठीक है। एंड जस्ट क्लिक इट, और आपकी एक पिंक लाइन बन जाएगी, और अभी भी कमांड ओके है तो राइट क्लिक करके बाहर आ जाओ, ठीक है। तो ये बन गई हमारी ए में। अब ध्यान रखना जब हम यहाँ से लेयर बी सेलेक्ट करेंगे, और जो बी की हम विड्थ स्ट्रिप बनाएंगे डिजाइन स्ट्रिप रिइंफोर्समेंट के लिए, तो वो 2 होगी, एक तो इस कॉलम के लिए और एक इस कॉलम, ठीक है। तो हम बी सेलेक्ट करेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, दैट इज 0.5 0.5 0.5। सिंपली यहाँ पे जूम करो, और अब आपको क्या करना है, यहां से लेके नीचे लाइन खींचे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्नैपिंग फीचर ऑन नहीं रहता है इन इंटरसेक्शन पे, तो आप थोड़ा सा अच्छे से जहां आपका ग्रिड का क्रॉस सेक्शन हो रहा है वहां क्लिक करना, ठीक है, एंड देन मूव डाउन, और जो आपका कोना है वहां जाकर, जो दूसरी एज है वहां जाकर आप क्लिक कर दे, ठीक है। तो अभी आपकी एक बन गई है, और अभी ये कमांड एक्टिव है, आप क्या करो राइट क्लिक करके बाहर आ जाओ,
अब दूसरी लाइन आपको कहां से खींचनी है, यहां से बी सेलेक्ट है, मैंने उसको छेड़ा नहीं है, आपको दूसरी लाइन अब यहां से बनानी है, ठीक है। तो जस्ट इसको स्नैप करो, यहां पे क्लिक करो एंड जस्ट गो डाउन। ये साइन परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है। तो ये बन गया, राइट क्लिक करो, बाहर आ जाओ, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी एक पिंक लाइन ऐसे बन गई और दो पिंक लाइन आपके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में, दैट मींस आपके डिजाइन स्ट्रिप्स रेडी है। तो इसको क्रॉस कर दो और बंद करो, ठीक है। एक बार एस्केप दबा दो अगर कहीं बाहर हो तो, एंड देन सेव इट, ठीक है ना। सेव बटन की आदत डाला करो, ठीक है ना। कौन से कंप्यूटर पे तुम काम करो, क्या भरोसा, ठीक है। कब लाइट चली जाए, कब यूपीएस फेल हो जाए, मशीन ही है ये। ओके, सो अब क्या काम रहता है, अब ये रहता है स्टील, दैट इज अपना रिबार मटेरियल असाइन करना। सेव को बताना है कि तुम फुटिंग में कौन सा बार डालोगे, तो पहले फुटिंग है, फुटिंग के ऊपर राइट क्लिक कर दो, ठीक है। तो फुटिंग का पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, तो फुटिंग के आप डिजाइन में जाओ, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया, लोड्स हो गया, डिजाइन में जाओ एंड डिजाइन में वी आर हैविंग रिबार मटेरियल, आप रिबार मटेरियल पर क्लिक करो और यहाँ पे आप HYSD 415 सेलेक्ट कर लो एंड प्रेस ओके एंड देन अगेन प्रेस ओके, ठीक है। तो स्लैब का हो गया हमारा डिजाइन। सेम गोज विद द कॉलम, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करो, रिबार मटेरियल पर क्लिक करो और रिबार मटेरियल में HYSD 415 सेलेक्ट करके ओके करो एंड अगेन ओके। सेम गोज विद द अदर कॉलम आल्सो, राइट क्लिक, मेटल पे क्लिक करो, HYSD 415 सेलेक्ट करो, ओके ओके। अभी डिजाइन स्ट्रिप के लिए भी कर रहा है, तो डिजाइन स्ट्रिप की जो पिंक लाइन है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, यू विल गेट टू नो कि वो कॉलम स्ट्रिप खुल गया, ठीक है। इसमें भी एक रिबार मटेरियल है, इस पर क्लिक करो और इसमें आप HYSD 415 सेलेक्ट करो, प्रेस ओके। सेम गोज विद द बी स्ट्रिप, बी पे भी राइट क्लिक करो, ओके ओके। आप ए और बी स्ट्रिप को, इन ए और बी से कंफ्यूज मत होना, ये ए और बी तो ग्रिड लाइन है, ठीक है। दूसरी स्ट्रिप पे भी राइट क्लिक करो क्योंकि दोनों स्ट्रिप अलग अलग जा रही है, ठीक है ना। HYSD 415 ओके एंड ओके, ठीक है। तो हमारी स्ट्रिप लग गई है ना। नाउ वी नीड टू चेक कि भाई देखो, वी नीड टू चेक कि लोड्स है कि नहीं। पर लोड से पहले ये चीज ध्यान रखना, एक बार रिकॉल कर लेना कि एवरीथिंग इज असाइन्ड और नॉट। स्लैब प्रॉपर्टी असाइन हो गई, कॉलम के प्रॉपर्टी असाइन हो गई, डिजाइन स्ट्रिप हमने बना दी, मटेरियल दे दिए। अब देखना है लोड्स का कि लोड्स है कि नहीं। तो लोड्स देखने के लिए ध्यान रखना, जो बीच में कॉलम का सेंटर लाइन है उसके ऊपर राइट क्लिक करना, क्या करना, राइट क्लिक करके लोड्स में जाना एंड यू गेट टू नो कि आपने जो लोड्स दिए थे वो यहाँ पे है, 500 आपका ग्रेविटी डायरेक्शन में और ये आपकी कॉलम साइज है 500 by 500, ठीक है। ये डेड लोड है और इधर लाइव लोड के बारे में बता रहा हूँ। तो इधर भी लोड्स अच्छे से असाइन है और यहाँ पे भी लोड अच्छे से असाइन। ध्यान रखना अगर आपने कॉलम के ऊपर राइट क्लिक कर दिया और लोड्स में गए तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि वो कॉलम के सेंटर में लोड आ रहा था, आपको सेंटर पॉइंट पे राइट क्लिक करके लोड्स लगा, ठीक है। कॉलम के सेंटर पॉइंट पे राइट क्लिक, ठीक है, एंड देन गो ऑन टू लोड। तो यू विल गेट टू नो कि आपके लोड्स लगे हुए। जब हम हीटर से करेंगे तो हम पूरा का पूरा वहां से डाटा लेके आएंगे, ये डेड लोड और लाइव लोड वाला, मैं बताऊंगा कमिंग लेक्चर्स में कैसे करना। वो हमारी टॉल बिल्डिंग की फाउंडेशन अपन डिजाइन करेंगे। सो एवरीथिंग इज डन, असाइनिंग भी पूरा हो गया, अपना डिजाइन स्टेप भी पूरा हो गया, है ना। नाउ विल मूव ऑन टू द डिजाइनिंग, ठीक है। अब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। तो अभी अपन डिजाइन कर रहे हैं, पर डिजाइन से पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो विल गो टू रन एंड देन विल गो टू रन एनालिसिस। पुरानी आदत याद रखना, रन एनालिसिस करने से पहले चेक कर लेना डिफाइन में जाके आपने लोड कॉम्बिनेशंस लगा रखे कि नहीं लगा रखे, ठीक है। तो हमने तो लगा रखे, तो गो टू रन देन रन एनालिसिस। अब एनालिसिस होगा, जितनी ज्यादा बड़ी फुटिंग होती उतना ज्यादा टाइम है। तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, कलरफुल विंडो, पहले जैसे ही दैट इज उसका टॉप देख लेना, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है दीज आर डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू डेड लोड्स इन MM, ठीक है ना। डेड लोड्स की वजह से ये MM में डिस्प्लेसमेंट है। आप इसमें कहीं पे भी होवर करोगे तो आपको वहां का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दिख जाएगा। जैसे कोने में -6.8 है, कॉलम्स के जस्ट पास में -6.9 है, ठीक है ना, मतलब क्वाइट सेम ही है, ठीक है। 6.9, 6.8 ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। राइट हैंड साइड में एक कलर कोड बार है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कलर कोड बार में से भी आप चेक कर सकते हो, ये डेड के लिए। लेट्स से आप लाइव के लिए देखना चाहते हो या आप कॉम्बो के लिए देखना चाहते हो, तो गो ऑन टू डिस्प्ले एंड क्लिक शो डिफॉर्म शीट, ठीक है। इस विंडो को साइड में कर देते हैं, लोड कॉम्बिनेशन पर क्लिक करते हैं और लेट्स से मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाले कॉम्बिनेशन के लिए देखना चाहता हूँ, तो आई सेलेक्ट 1.5 DL + LL, आई हिट अप्लाई। अब देख सकते हो आप थोड़ा सा डिफ्लेक्शन क्या हो गए, बढ़ गए, कितने हो गए, आप कलर कोड में देखो -15 से लेकर -14.8। माइनस इसलिए है क्योंकि Z डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन है और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर काउंटेड एज माइनस, ठीक है ना। तो माइनस जेड मतलब -15 mm का अंदर की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, किसका, हमारी स्लैब का, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक। अगर आपको और उसके लिए देखना है, दैट इज हमारे सर्विस के लिए देखना है, तो DL + LL को सेलेक्ट करो, क्लिक अप्लाई, You will know कि डिफ्लेक्शन थोड़े से कम है, ठीक है।
तो आइदर वे यू कैन चूज इट एंड यू कैन चेक, ठीक है। और डिस्प्ले में जाके अगर आप डिजाइन स्ट्रिप फोर्सेस देखना चाहो तो आप डिजाइन स्ट्रिप के फोर्सेस देख सकते हो, ठीक है। डेड का देखना चाहो तो डेड का देख लो, ठीक है। मोमेंट देखना चाहो तो लेट्स से मोमेंट हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन में अपन 1.5 डीएलएल अल्टीमेट का लेते हैं, मोमेंट देखते हैं, दोनों लेयर्स में देखते हैं और इन दोनों को मैं डायरेक्ट चेक कर देता हूँ, दैट इज डायग्राम्स को फिल रखना और वैल्यूज भी बताना, ठीक है। आई विल हिट अप्लाई, तो यू कैन सी हमारे पास वहां के मोमेंट्स भी आ जाएंगे। जब आप इस स्ट्रिप के अलॉन्ग चलोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंट, कितना मोमेंट, ठीक है। आपको पहले भी बताया इट विल वर्क लाइक अ कैंटिलीवर, तो एंड्स पे आपका थोड़ा कम होगा और जो बीच में सपोर्ट्स जहां हो रहा है वहां थोड़ा मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इट विल वर्क लाइक दिस। नाउ अभी एनालिसिस हमने देख लिया, नाउ विल गो टू डिजाइन। अब मैंने आपको एनालिसिस पूरा बता रखा है, पहले वाले वीडियोस और आप देख लेना, उसमें से क्या क्या चीजें देखनी है, जैसे स्लो स्लिप फोर्सेस, स्ट्रेसेस भी आप देख सकते हो, जो भी आपको देखना है, ठीक है ना, वो आप आपके हिसाब से वर्कआउट करो। आई गो टू रन एंड देन आई क्लिक रन एनालिसिस इन डिजाइन, आई सेलेक्ट दिस और शायद डिजाइन हो गई, ठीक है ना, छोटा ही होता है डिजाइन, फटाफट हो जाती है। आई विल गो टू डिस्प्ले एंड देन द मेन प्रॉपर्टी जो हमको यहाँ देखनी है वो है, सॉरी ये देखने से पहले हमको देखना हम पास हुए कि नहीं हुए, तो वो सबसे पहला ऑप्शन होता है शो पंचिंग शेयर डिजाइन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी शो पंचिंग शेयर एंड डिजाइन, तो एक सेकंड, डिस्प्ले में जाके हम लोग जाएंगे शो पंचिंग शेयर डिजाइन। तो आप देख सकते हो दोनों कॉलम की पंचिंग शेयर कैपेसिटी कितनी आ रही है, रेशियो कितना आ रहा है, 0.31 और हम पास है या फेल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हम लोग पास है, क्योंकि फेल कब होता है जब ये 1 से ऊपर चला जाता है, और इसका रेशियो क्या था, इट वाज द शियर स्ट्रेस कैरिड बाय द कॉलम डिवाइडेड बाय इट्स शियर कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी उसकी कम है तो, और लोड अगर ज्यादा आ जाता है, न्यूमरेटर ज्यादा आ जाता है, तो 1 से ऊपर वैल्यू चले जाएगी तो हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग फेल नहीं हो रहे, हमारा 1 से कम आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू पंचिंग शेयर वी आर पास्ड। नाउ वी नीड टू चेक दूसरी चीजें में अपन लोग पास है कि नहीं, गो टू डिस्प्ले देन दिस टाइम गो फॉर शो स्लैब डिजाइन, ठीक है। मैं शो स्लैब डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो मैं स्लैब डिजाइन कर ली, थोड़ा सा इधर जूम आउट करके इसको साइड में खिसका दे ताकि मेरी दोनों विंडोज पास में। यहाँ पे है कि आप डिजाइन कैसा करना चाहते हो, मैं स्ट्रिप बेसिस से करना चाहता हूँ और डिस्प्ले टाइप में मैं फ्लेक्सुरल एनफोर्समेंट ही देखना चाह रहा हूँ अभी, बाकी मैंने सारी चीज आपको पहले बता रखी है, ठीक है। लेट्स से मैं भी सिर्फ लेयर ए के लिए देखता हूँ, आई विल हिट अप्लाई, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास लेयर ए में मेरे पास रिइंफोर्समेंट आ गया। अगर आप इस लाइन के अलॉग चलोगे तो टॉप और बॉटम का ये स्टील आपको बताएगा, जैसे यहाँ पे इस केस में बता रहा है टॉप पे 41.554 mm² एक मीटर के अंदर इतना स्टील चाहिए और बॉटम में 284 चाहिए, ठीक है। सेम गोज विद दी अदर थिंग्स, ठीक है ना, आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको पता पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक, मैं लेट्स सबके बाद लेयर बी पे भी देख सकता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, लेयर बी पे रिइंफोर्समेंट देख रहा है टॉप बॉटम दोनों पे, पिछली बार आपको ध्यान होता सिर्फ बॉटम पे रिइंफोर्समेंट था, इस बार टॉप बॉटम दोनों पे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना लोड भी नहीं था और हमारा डेड लोड भी इतना ज्यादा नहीं था, कम ही था क्योंकि एक सिंगल फुटिंग थे, दिस टाइम ऐसा नहीं है, टाइम थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो यू कैन डू इट लाइक दिस, दिस इज हाउ यू कैन चेक कि भाई आपका क्या डिजाइन रिइंफोर्समेंट आ रही है। अब आता है हमारा चेक करना कि हम लोग फेल तो नहीं हुए उस पंचिंग के अलावा कहीं पे, यू कैन गो टू डिस्प्ले एंड देन क्लिक शो टेबल्स, ठीक है। टेबल्स पे क्लिक करो, टेबल को थोड़ा साइड में कर देते हैं और आप यहाँ पे डिजाइन रिजल्ट में कॉन्क्रीट डिजाइन को एक्सपांड करो, कॉन्क्रीट स्लैब रिजल्ट को एक्सपांड करो एंड फ्लेक्चर एंड शेयर डाटा को चेक कर लो एंड प्रेस ओके, तो यू विल हैव अ टेबल, ठीक है। इस टेबल में आप देखना CS A2, CS A2, CS A2, ये ए जो है A2, 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 ये ए स्ट्रिप है, B3, B4 जो है ये दूसरी दोनों स्ट्रिप्स, ठीक है, B वाली। और इसमें अगर आगे जाओगे तो आप स्टेटस टेक्स्ट में देखना सब जगह ओके है हमारा, इसका मतलब हम लोग पास है, अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे फेल होते, ठीक है। तो आई कैन क्लिक दैट, तो इसका मतलब हम लोग सब चीज में सेफ है एंड आई विल सेव इट, ठीक है। बट फर्दर मूविंग ऑन टू डिटेलिंग, हम लोग एक चीज चेक करना चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हम पंचिंग शीयर डिजाइन में जब रेशियो देख रहे हैं तो 0.3148 आ रहा है, क्या किसी तरीके से हम लोग ऑप्टिमम डिजाइन यहाँ पे दे सकते हैं क्या, ठीक है। अब ऑप्टिमम अगर आपको डिजाइन देना है तो आप क्या करो, आपकी जो फुटिंग की विड्थ है उसको कम करने की कोशिश करो, क्योंकि 0.31 है और अपन 0.99 तक जा सकते हैं एक तरीके से देखा जाए, है ना। तो क्यों ना हम इसको 0.99 तक ले जाए और विड्थ को कम करते जाए ताकि अपना कॉन्क्रीट बच जाए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस हिट एंड ट्राई के लिए, उस ऑप्टिमम डिजाइन के लिए मेरे को एक बार हमारी सारी एनालिसिस ड्रॉइंग को डिलीट करना पड़ेगा, तो मॉडल को अनलॉक कर दो यहाँ से, ठीक है, या ओके कर दो। देन गो टू डिफाइन स्लैब प्रॉपर्टी, फुटिंग को सेलेक्ट करो, मॉडिफाई स्लैश शो में जाओ और 500 की जगह के इस बार लेट्स से 300 कर देते हैं एंड जस्ट प्रेस ओके।
ठीक है, एंड देन प्रेस ओके। ये खुद ब खुद इस फुटिंग पे लग गया होगा, ठीक है ना। इस फुटिंग पे आप असाइनमेंट देखोगे तो इसमें फुटिंग लगा हुआ है असाइनमेंट, आपको सीधा रन एनालिसिस ही करना है। तो रन जाके रन एनालिसिस डिजाइन ही कर दो सीधा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये हमारा बन गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो स्ट्रेसेस थोड़ी सी बढ़ गई है, बढ़ेगी ऑब्वियसली क्योंकि पतली हुई है वो चीज हमारी। नाउ गो टू डिस्प्ले एंड देन गो टू शो पंचिंग। तो आप देख सकते हो 0.75 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 0.75 हो गया तो ठीक है, अभी भी हम पास है, मतलब हम 300 में भी बना सकते हैं फुटिंग। अगर थोड़ा और करने की कोशिश करें, फिर से हम इसको अनलॉक करते हैं, लेट से, ठीक है। फिर हम डिफाइन में जाते हैं, फिर स्लैब प्रॉपर्टी में जाते हैं, फुटिंग को सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई स्लैश शो में जाते हैं और 300 की जगह इस बार 200 ले लेते हैं। प्रेस ओके, गो टू रन, रन एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। देन गो टू रन, सॉरी गो टू डिस्प्ले, देन गो टू शो पंचिंग शेयर। अब देखो पंचिंग शेयर 1.4 हो गया, मतलब हम फेल हो गए, मतलब 200 में तो नहीं बनेगी, ठीक है। बस फिर से वही, आपको यही खेल खेलना है। डिफाइन में जाओ, स्लैब प्रॉपर्टी में जाओ, फुटिंग को मॉडिफाई शो करो, लेट्स से 250 कर देते हैं। 300 में तो पास हो रहा था, हमको पता है, हम ऑप्टिमम पोजीशन पे जाने के सोच रहे हैं। अगर 250 में नहीं होगा तो फिर हम 300 ले लेंगे, ठीक है ना। एज सिंपल एज दैट। रन जाएंगे, रन एनालिसिस एंड डिजाइन, विल गो टू डिस्प्ले एंड देन विल गो टू शो पंचिंग शेयर। 1.02 आ रहा, अभी भी फेल है। इसका मतलब आप क्या करो, आपका 300 ही लेके चलो, क्योंकि 250 और 300 के बीच में कुछ लेने का मतलब यूं है कि साइड पोस्ट चीज का मेजरमेंट आप दोगे तो इट विल लुक काइंड ऑफ डिफरेंट, कि भाई 270 का डेप्थ है, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है ना। करके देख लेते हैं हम, कोई बात नहीं ना। विल गो टू स्लैब प्रॉपर्टी, विल सेलेक्ट फुटिंग एंड लेट्स से 280 रख देता हूं मैं, थोड़ा सा पास होने के क्राइटेरिया में रहते हैं। ओके कर लेते हैं। रन में जाके रन एनालिसिस एंड डिजाइन, गो टू डिस्प्ले एंड गो टू शो पंचिंग शेयर। यू कैन सी नाउ वी आर पास, 0.84 आ गया 1 से नीचे। तो इसका मतलब जहां हमने 500 में लेके चले थे हम रिटर्न ट्रायल से, वो एक्चुअल में 280 पे भी पास हो जाएगी, है ना। तो अच्छी बात है वो, तो आप इसको सेव कर। तो यहाँ से आपने ऑप्टिमम रिजल्ट निकाला, बंदे का कॉन्क्रीट बचा लिया आपने, कितना है ना, 4x2 का था ये। आप उससे वॉल्यूम निकाल के देखना कितना कॉन्क्रीट बच जाएगा, और अगर ऐसी ही 3-4 फुटेंगे तो कितना ज्यादा कॉन्क्रीट बच जाएगा। कॉन्क्रीट बचेगा, प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट नीचे आ जाएगी। बंदा आपसे इंप्रेस तो हो गया होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मेरे को पता है कि कैसे काम कर, है ना। ओके, सो दिस इज हाउ द डिजाइनिंग इज डन। नाउ फटाफट हम लोग डिटेलिंग देख लेते हैं, ओके। तो डिटेलिंग के लिए हम लोगों को क्या करना है, विल गो टू डिटेलिंग ऑप्शन, और पहले प्रेफरेंसेस आप लोग सेट कर देना। मैं डिटेलिंग प्रेफरेंसेस में जाता हूँ, मैं देख सकता हूँ मेरी मैट्रिक्स यूनिटी है सब, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ स्लैब मैट रिइंफोर्सिंग प्रेफरेंसेस, क्योंकि हमको 20 mm डाया का प्रेफरेंस देना था, तो हमने वैसे तो पहले दे रखा था, फिर भी आप यहाँ पे देख लेना। रीबार सिलेक्शन में आके आप लोग देख लेना स्मॉलेस्ट नंबर आपको कितना चाहिए, आपके हिसाब से कुछ भी ले लेना। लार्जेस्ट बार ये हो गया, मिनिमम स्पेसिंग वगैरह देखने था, और क्योंकि देखो अभी हमारे इस पे क्या लोड बहुत कम है, अगर मैं 20 mm का डाया बार चूज करूंगा ना तो एक या दो बार आ जाएंगे या तीन बार आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा अगर चाहता हूँ कि ज्यादा बार आए तो दैट्स मैं स्मॉलर साइजेस ऑफ रीइंफोर्समेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके आप लोग सिंपली इसको ओके कर दो, जो भी आपका प्रेफरेंसेस है। फिर पीछे की तरफ रन में जाओ एंड वी आर हैविंग रन डिटेलिंग, क्लिक ऑन रन डिटेलिंग, इन तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं, प्रेस ओके। ये आपका डिटेलिंग हो गया, ठीक है। यहाँ आप राइट हैंड साइड में देखो मॉडल एक्सप्लोरर में आपका डिटेलिंग ऑप्शन आ गया है। वी आर हैविंग ड्रॉइंग कंपोनेंट व्यूज, इसमें आप सारे कंपोनेंट्स देख सकते हो, और मेन आपका यहाँ आएगा फुटिंग व्यूज के अंदर, फुटिंग लेआउट जो आपके सामने अभी लेआउट है, कॉलम्स के बीच में 2 मीटर की डिस्टेंस एंड ऑल दैट। फुटिंग टेबल पे क्लिक करोगे, ये बहुत मेन टेबल, ठीक है। जो हमारी इधर वाली डायरेक्शन थी दैट इज एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ए स्ट्रिप वाली, दैट इज उन्होंने उसको नाम उल्टा दिया है बार बी। तो यहाँ ऊपर टेबल में देखो बार बी के अंदर आपको 7 बार लगाने हैं 16 mm डाया, और बार ए साइज के अंदर आपको कितने लगाने हैं 7 बार 16 mm डाया, ठीक है। और आपका 4x2 की डिस्टेंस है, एल एक्स के अंदर 4 डिस्टेंस थी, एल वाई के अंदर आपकी 2 की लेंथ थी, ब्रेथ थी सॉरी, और इधर टी आपकी थिकनेस थी, दैट इज 0.280 जो हमने अभी फाइनल करी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन दी रेक्टेंगुलर फुटिंग इन सेफ, ठीक है ना। 716 716, आप उसको स्ट्रिप के अंदर रिपीटेटिव रख सकते हो, ठीक है। और स्पेसिंग वही होगी जो आपने डिटेलिंग प्रेफरेंसेस में चूज करी थी, ठीक है ना। तो आप लोग अगर रिबार सिलेक्शन में जाके देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्पेसिंग ये थी और मिनिमम स्पेसिंग ये थी, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से उसमें बीच में कोई भी स्पेसिंग देके चालू कर सकते हो उस काम को। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। कितना कर्टेल करना है, कितना करना है, वो आपको इन डायग्राम से मिल जाएगा। ये डायग्राम आपको देखने पड़ेंगे 0.3 × L करके टॉप बार्स के लिए, बॉटम बार्स के लिए, ठीक है। और क्वांटिटी देखनी है तो फुटिंग बिल क्वांटिटी में आप लोग देख सकते हो 16 mm डाया इन लोगों ने बार यूज किया। अगर आपको 16 के नहीं चाहिए, आपको कोई दूसरे चाहिए तो आप रिबार प्रेफरेंसेस में वो चीज सेट कर सकते हो, ठीक है ना। देन वी हैव द लेंथ, टोटल बार की कितनी लेंथ आएगी और उसका कितना मेट्रिक टन में उसका वेट आएगा 0.07। तो आप ऐसे ऑर्डर भी दे सकते हो सीधा का सीधा, ठीक है। तो
एक्सपोर्ट नहीं होगी अभी क्योंकि हमारे पास इवोल्यूशन वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप ड्राइंग शीट्स में आके फुटिंग टेबल में जाओगे तो अगर आपके पास खरीदा हुआ वर्जन है तो यू कैन एक्सपोर्ट इट, राइट क्लिक उसको एक्सपोर्ट कर सकते। अभी मेरा एक्सपोर्ट होगा नहीं क्योंकि अपना रजिस्टर्ड लाइसेंस वर्जन नहीं है, इवोल्यूशन वर्जन है, ठीक है। अभी आपको ये डायग्राम खुद ब खुद बनाने पड़ेंगे कैड में जाके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कैसे बनाते हैं। ओके।